HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। टीवी सीरियल्स व फिल्मों में आपने नागनागन के प्रेम के किस्से तो जरूर सुने होंगे, लेकिन यूपी के बनारस में एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर आपको एक बार भी विश्वास नहीं होगा। वाराणसी के राजपुर गांव का रहने वाला संदीप पाटिल नाम का व्यक्ति नागिन से शादी करना चाहता है। वह खुद इच्छाधारी नाग होने का दावा भी कर रहा है। जब ये खबर लोगों को पता चली तो आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। इस युवक को देखने के लिए इलाहाबाद, चंदौली, सोनभद्र सहित आसपास के जिलों के लोगों भीड़ जुट गई। राजपुर गांव फूलपुर इलाके में आता है, लिहाजा फूलपुर पुलिस को मामला सौंपा गया। लेकिन ये अनोखी खबर लोगों में कौतूहल का विषय बन गई और देखते ही देखते इतनी भीड़ जमा हो गई कि स्थिति को काबू में करने के लिए 5 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के लाख प्रयासों के बाद भी जब लोग वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने खुद को इच्छाधारी नाग बता रहे संदीप और उसके पिता दयाशंकर को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध किया तो कहीं कहीं लोग इसको सही बताते भी नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खुद को इच्छाधारी नाग बता रहे संदीप पटेल को लकवा माच गया है। हाथ पैर काम नहीं करने के चलते वो रेंगकर चलता है। संदीप के परिजन जब उसके इलाज के लिए गए तो एक ओझा ने उनको बताया कि संदीप पिछले जन्म में नाग था